मूवी स्टार्ट होती है एक लड़के से जिसका नाम हीरो बॉय है। बहुत सारे बच्चों की तरह उसे भी आज क्रिसमस की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। क्रिसमस नाइट थी तो वो विश कर रहा था कि शायद सांता क्लॉस आएगा। इसी होप के साथ वो अपने रूम से बाहर जाता है और नीचे देखता है कि शायद उसे सांता नजर आ जाए। वहाँ पर उसे एक शैडो दिखता है, बट पता चलता है ये तो उसके डैड है जो की उसकी बहन सारा को सुला रहे थे। हीरो बॉय बहुत अपसेट होता है और वापस अपने रूम में चला जाता है। सारा अपने डैड को बताती है कि भाई को बिल्कुल नहीं यकीन सांता पर। हीरो बॉय को हम देखते हैं कि वो रूम में जाकर एक बुक खोलता है जिसमें नॉर्थ पोल के बारे में लिखा था। यहाँ पर अचानक से फिर से उसे कोई आवाज आती है। वो फौरन अपनी बुक बंद करता है और सोने की एक्टिंग करता है। थोड़ी ही देर के बाद उसके रूम की सारी चीजें हिलने लगती है। उसके विंडो से बहुत तेज रोशनी आती है। हीरो जब बाहर देखता है तो एक बहुत ही बड़ी सी ट्रेन खड़ी थी जिसका नाम पोलर एक्सप्रेस था। हीरो जब बाहर जाता है तो वहाँ ट्रेन का कंडक्टर होता है जो कि उसे बताता है कि ये ट्रेन नॉर्थ पोल जा रही है और हम तुम्हें ही लेने के लिए आए हैं। हीरो को तो यकीन नहीं होता, जिसके बाद वो कंडक्टर उसे एक पिक्चर दिखाता है जो कि हीरो की थी। साथ ही वो बताता है कि इस बार तुमने सांता क्लॉस को कोई भी लेटर नहीं लिखा। साथ में वो ये भी बताता है कि ये क्रिसमस तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगी। इसके बाद वो कहता है कि ट्रेन पे आ जाओ, लेकिन हीरो कुछ सोचता है और पीछे हट जाता है। अब थोड़ी ही देर में वो ट्रेन चलने वाली थी। जैसे ही ट्रेन मूव करती है, हीरो फिर से उस ट्रेन में चढ़ जाता है। यहाँ पर हीरो देखता है कि और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सारे बातें कर रहे थे। ये सब का मानना था कि ये ट्रेन उन्हें सांता क्लॉस के पास नॉर्थ पोल लेकर जाएगी, बट हीरो को तो इन सारी बातों पे यकीन नहीं आता। इतनी देर में वहाँ का टिकट कलेक्टर आता है जो कि सबसे अपने टिकट मांगता है। यहाँ पर तो हीरो के पास टिकट नहीं था। ईटी उसे कहता है कि अपनी पॉकेट में चेक करो। जब हीरो अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसमें एक गोल्डन टिकट था। इसके बाद ये टीटी उसके टिकट पे दो अल्फाबेट्स लिख देता है, बी और ई। ऐसे ही वो बाकी सारे बच्चों के टिकट्स पे भी अल्फाबेट्स लिख रहा था। अब ये सब लोग अपना सफर एंजॉय कर रहे थे कि हम देखते हैं कि ये ट्रेन एक और बच्चे को पिक करने लगी है, पर वो बच्चा भी हीरो की तरह ट्रेन में चढ़ना नहीं चाहता था। इसके साथ ही ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और जैसे हीरो ने एंड में अपना डिसीजन चेंज किया था, ये बच्चा भी ऐसा ही करता है। पर ट्रेन काफी तेज हो चुकी थी और वो इस पे चढ़ नहीं पाता, जिसके बाद जब ये हीरो देखता है तो वो वहाँ की इमरजेंसी ब्रेक खींच देता है और ट्रेन ऐसे रुक जाती है। हम देखते हैं कि वो बच्चा अब ट्रेन पे चढ़ जाता है पर एक अलग बोगी में बैठ जाता है, जिसके बाद टिकट कलेक्टर आता है तो बाकी सारे बच्चे उसको रीजन बताते हैं कि उन्होंने चेन क्यों खींची थी। इसके बाद हम देखते हैं कि टीटी यहाँ पर काफी वेटर्स को बुलाता है जो कि यहाँ के सारे बच्चों को बहुत यमी हॉट चॉकलेट देता है। हम देखते हैं कि इन्हीं बच्चों में एक लड़की भी थी। वो एक हॉट चॉकलेट अपने पास रख लेती है ताकि उस बच्चे को दे सके। जब वो लड़की दूसरी बग्घी की तरफ जाने लगती है तो हीरो उसे मना करता है कि तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही टिकट कलेक्टर यहाँ पर आता है, जिसके बाद वो उस लड़की के साथ हॉट चॉकलेट देने के लिए खुद भी चला जाता है। हीरो नोटिस करता है कि उस लड़की का टिकट उसकी सीट पर ही है और वो पंच भी नहीं हुआ हुआ। हीरो वो टिकट उठा लेता है और सोचता है कि मैं उसे जाकर ये दे दूं, पर जैसे ही वो बगी का दरवाजा खोलता है, प्रेशर से वो उसके हाथ से छूट जाता है। घूमते घुमाते हवा में ही वो टिकट बाहर ट्रेन के साथ चिपक जाता है। जब टीटी आता है उससे टिकट मांगने के लिए तो हीरो उसे सारी बात सच सच बता देता है। टीटी कहता है कि सबके पास अपना टिकट होना जरूरी है, जिसके बाद वो उस लड़की को लेकर चला जाता है। सारे बच्चे हीरो को डराते हैं कि टीटी उस लड़की को ट्रेन से बाहर फेंक देगा। यहाँ पर हीरो की नजर पड़ती है विंडो के बाहर लगी हुई उस टिकट पे, जिसको वो उठा लेता है। अब वो जाता है बाहर कि मैं जाकर टीटी को ये टिकट दे दूं और वो लड़की यहाँ से गिरे नहीं। जब वो दूसरी बगी में जाता है तो वहाँ पर उसे वही बच्चा मिलता है, उसका नाम बिली था। बिली बताता है हीरो को कि कैसे टीटी उस लड़की को लेकर बाहर गया है, यानी कि कैबिन के ऊपर। हीरो जब बाहर जाता है तो देखता है कि दूर बहुत सी रोशनी नजर आ रही है, साथ ही वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पांव के निशान भी थे जिनको फॉलो करते करते वो लाइट तक आता है। हीरो को वहाँ पर एक आदमी बैठा नजर आता है। वो बताता है कि मेरा नाम होबो है। यहाँ पर उसे सारी बात हीरो बता देता है, जिसके बाद होबो कहता है कि मैं नॉर्थ पोल का राजा हूँ। होबो हीरो से पूछता है कि क्या तुम्हें भूतों पे यकीन है, जिस पर हीरो कहता है कि क्या सांता क्लॉस को तुम जानते हो। तो होबो कहता है कि हर दिखाई देने वाली चीज रियल नहीं होती। इसके बाद वो कहता है कि अगर तुम्हें लड़की को ढूंढना है तो मेरे साथ चलो। यहाँ पर हीरो उसे फॉलो करने लगता है, बट आहिस्ता आहिस्ता इतना ज्यादा फॉग होता है कि वो आदमी फॉग में गायब हो जाता है। होबो हीरो से कहता है कि थोड़ी ही आगे जाने के बाद टनल आने वाली है, हमें उससे पहले ही इंजन तक पहुँचना होगा, जिसके बाद ये दोनों बहुत तेजी से चलने लगते हैं। थोड़े आगे जाने के बाद होबो यहाँ पर हीरो को पुश करता है और वो इंजन रूम तक पहुँच जाता है। वहाँ पर हीरो देखता है कि वो लड़की ही ट्रेन चला रही है। वो लड़की बताती है कि कैसे ट्रेन की लाइट खराब हो गई
हुई है और टीटी उसे ठीक करने के लिए गया है। आगे लाइट ठीक करते हुए वो देखते हैं कि आगे कहीं पर बहुत ज्यादा लाइट्स लगी हैं। सब उस लड़की से कहते हैं कि ट्रेन की ब्रेक खींच दो, जिसके बाद वो हीरो और लड़की मिलकर ब्रेक खींच देते हैं। ट्रेन रुकती है और पता चलता है कि आगे सारे रास्ते को बहुत सारे रेनडियर्स ने रोका हुआ है। यहाँ पर टीटी आता है और बताता है कि कैसे इन रेनडियर्स की वजह से अब हम नॉर्थ पोल तक नहीं पहुँच सकेंगे। हीरो इन रेनडियर्स को देखने के लिए ट्रेन से बाहर निकलता है तो वो स्लिप होने लगा था। आगे जो बंदा लाइट ठीक कर रहा था उसकी बियर्ड को खींच देता है और उसके मुंह से भी रेनडियर जैसी आवाज निकलती है। इसके बाद थोड़े से रेनडियर्स अपने रास्ते से हटते हैं। टीटी को आइडिया आता है, जिसके बाद वो उसी आदमी की बहुत जोर से बियर्ड खींचता है। इसके बाद रेनडियर्स हटने लगते हैं। इसके बाद ये लोग एक दफा फिर से नॉर्थ पोल के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर ड्राइवर स्पीड बहुत तेज करता है, जबकि टीटी ने उसे मना भी किया था। स्पीड बहुत ज्यादा करने की वजह से वहाँ की एक पिन उसके मुंह में चली जाती है। इसके बाद तो अब स्पीड कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। ट्रेन बहुत तेजी से आगे जाने लगती है। टीटी बच्चों की सेफ्टी के लिए उनको बांध देता है, साथ ही बताता है कि आगे एक ग्लेशियर है और यहाँ से रोलर कोस्टर जैसी राइड स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद ट्रेन बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और स्लिप होने लगती है। टीटी बहुत मुश्किलों से वो पिन उसके मुंह से निकालता है, लेकिन वो पिन ट्रेन से बाहर निकल जाती है। ट्रेन स्लिप होने की वजह से टेढ़ी हो गई थी, जिसकी वजह से वो लड़की तो ट्रेन से बाहर गिरने लगी थी। टीटी भी उस लड़की को पकड़ने लगता है। यहाँ पर हीरो नोटिस करता है कि होबो फिर से इनकी मदद करता है और फिर गायब हो जाता है। अंदर इंजन रूम में एक आदमी के सर पर पिन लगी हुई थी, वो उससे उतारता है और स्पीड कंट्रोल कर लेता है। अब हम देखते हैं कि ग्लेशियर पीछे से टूटने लगा था। हर जगह पर तो बहुत ही ज्यादा तबाही होने वाली थी। यहाँ पर टीटी फिर से ड्राइवर को कहता है कि ट्रेन को स्टार्ट करो। हीरो आगे देखता है कि माउंटेन के बीच में एक ट्रैक बना हुआ है, जिसके बाद टीटी उसे गाइड करता है कि ड्राइवर यहाँ से रास्ता बनाकर ले जाए। यहाँ पर एक बार फिर से उस लड़की की टिकट उड़ने लगी थी, बट हीरो एक बार फिर से उस टिकट को बचा लेता है। अब टीटी उसको पंच कर देता है और उस पे भी दो अल्फाबेट्स लिख देता है। इसके बाद ये लोग ट्रेन में फिर से जाते हैं तो एक बगी में से गुजरते हैं। वहाँ पर बहुत सारे टूटे हुए टॉयज पड़े हुए थे। टीटी बताता है कि ये सारे टॉयज रिसाइकल करके फिर से बच्चों को गिफ्ट किए जाते हैं। यहाँ पर एक पपेट हीरो के ऊपर अपना हाथ रखता है। हीरो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो पपेट हीरो से कहता है कि तुम तो सांता क्लॉस पे यकीन ही नहीं करते। इसके बाद हीरो यहाँ से निकलकर वापस अपनी बगी में जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि वो लड़की दोबारा बिली के पास जा रही है, जिसके बाद हीरो भी उसके साथ चला जाता है। वहाँ ये लोग गाना गाते हैं, जिसके बाद इन तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। यहाँ आकर उनको बताता है कि ये लोग नॉर्थ पोल पहुँचने वाले हैं। वो दूर एक रोशनी की तरफ पॉइंट करता है और बताता है कि यही नॉर्थ पोल है। जल्द ही ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। वो हर जगह पर देख रहे थे बोने जैसे लोगों को, जिनको हम एल्फ कहते हैं। टीटी सबको बताता है कि यहाँ पर एल्फ सारे सिटी सेंटर में होंगे। वहाँ पर सांता क्लॉस इन्हीं बच्चों में से किसी एक को एक गिफ्ट देगा खुद। यहाँ पर सारे बच्चे देखते हैं कि सब एल्फ चलकर एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, जिसके बाद ट्रेन रुकती है और सारे बच्चे उतर जाते हैं। यहाँ पर वो लड़की नोट करती है कि बिली अब भी ट्रेन में ही बैठा है। इसके बाद वो और हीरो दोबारा बिली के पास जाते हैं। यहाँ पर हीरो से गलती होती है और वो अपनी बुगी का लॉक खोल देता है, जिससे सारी ट्रेन से उनकी बगी अलग हो जाती है। ये दोनों बिली से पूछते हैं कि वो साथ क्यों नहीं आ रहा, जिस पर बिली कहता है कि उसकी कोई भी क्रिसमस अच्छी नहीं गुजरती, इसलिए वो यहीं पर अकेले रहेगा। अब ये लोग फील करते हैं कि उनकी बगी मूव कर रही है और हम देखते हैं कि कैसे एक स्लाइड के ऊपर उनकी बगी बाकी ट्रेन से अलग होकर खुद ही मूव कर रही है। हीरो यहाँ पर बगी से बाहर देखता है कि कहीं उसको ब्रेक मिल जाए। यहाँ पर उसे फिर से वही होबो नजर आता है, बट वो एक टनल से टकराकर गायब हो जाता है। हीरो को एक ब्रेक मिलती है, जिसको वो खींचता है और उनकी बगी स्लो होने लगती है। ये लोग एक वर्कशॉप में पहुंच चुके थे। बगी रुक तो गई थी, बट वो इतनी घूम चुकी थी कि ये लोग भूल चुके थे कि कहां से आए हैं। इसके बाद ये लोग बाहर निकल और घूमने लगते हैं। इन तीनों को लगता है कि अब तो ये गुम हो गए हैं, यानी वापस कैसे पहुंचेंगे। यहाँ पर उस लड़की और बिली को कुछ बेल्स की आवाज आती है, बट हीरो को वो बेल की आवाज नहीं आ रही थी। आवाज को फॉलो करते करते ये लोग एक हेडक्वार्टर तक पहुंच चुके थे, जहाँ पर एल्फ सारे बच्चों के लिए गिफ्ट रेडी कर रहे थे। अपना काम खत्म करने के बाद ये एल्फ एक ट्यूब में बैठकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद इन तीनों को लगता है कि बाहर निकलने का रास्ता यही है और ये तीनों भी एक ट्यूब में बैठकर बाहर निकल जाते हैं। यहां से निकलने के बाद ये लोग एक ऐसे रूम में जाते हैं जहां पर सारे गिफ्ट रैप हो रहे थे। इनके सामने एक गिफ्ट आता है, जिस पर बिली का नाम लिखा था। ये गिफ्ट एक जगह पर जा रहा था, जिसके बाद ये तीनों भी उसी को फॉलो करते हैं। यहाँ पर आगे एक बहुत ही बड़ी सी स्लाइड थी, जिसमें से हुए ये लोग एक बहुत ही बड़े गिफ्ट के ढेर में चले जाते हैं। बिली के हाथ में उसका गिफ्ट था, वो उसको खोलना भी चाहता था, पर उस पर लिखा था कि इस गिफ्ट को क्रिसमस से पहले नहीं खोलना। इसके बाद ये सारे गिफ्ट एक बहुत ही बड़े से बैग में जाते हैं, जिसके साथ ये तीनों भी उसी बैग में चले जाते हैं। इसी बड़े से बैग में इनको एक
और बच्चा भी मिलता है जो कि यहाँ पर अपना गिफ्ट चेक करने के लिए आया था। अब सारे एल्फ इस बड़े से बैग को लेकर जाते हैं सिटी सेंटर। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे रेनडियर्स तैयार किए जा रहे हैं सेंटा क्लॉस के लिए। यहाँ पर एल्फ जब रेनडियर को रेडी कर रहे थे तो एक बेल गिर कर आती है हीरो के पास। हीरो उस बेल को सुनने की कोशिश करता है पर उसे अब भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। यहाँ पर हीरो अपने पूरे दिल से उसकी आवाज सुनने की कोशिश करता है और सेंटा क्लॉस को याद करता है। इसके बाद जब वो बेल को हिलाता है तो उसे आवाज आ जाती है। आंखें खोलने पर वो देखता है कि सेंटा उसके पीछे खड़े हैं। यहाँ पर सेंटा उसी को चूज करते हैं क्योंकि उसने सच्चे दिल से सेंटा को याद किया था। हीरो सेंटा क्लॉस से कहता है कि मुझे ये बेल ही गिफ्ट में चाहिए, जिसके बाद सेंटा क्लॉस ऐसा ही करता है और वो बेल गिफ्ट कर देता है। इसके बाद सेंटा क्लॉस बाकी सारे गिफ्ट लेकर यहाँ से चला जाता है। कुछ हेल्प्स इनकी बुगी लेकर आते हैं और ट्रेन से जोर देते हैं। सारे बच्चों से कहता है कि एक साथ जमा हो जाओ क्योंकि हमें वापस जाना है। इनकी टिकट्स फिर से पंच की जाती हैं। पता चलता है कि हर टिकट के ऊपर एक वर्ड लिखा था। हीरो की टिकट के ऊपर लिखा था बिल्ली। इसके बाद बच्चे उसे कहते हैं कि हमें भी वो बेल दिखाओ। जब हीरो अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसमें एक होल था जिसकी वजह से उसकी वो बेल गायब हो चुकी थी। इस बात से हीरो बहुत ही ज्यादा उदास होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता सबको ड्रॉप किया जा रहा था। सबसे पहले बिल्ली को ड्रॉप करते हैं जहाँ पर वो देखता है कि उसका गिफ्ट सेंटा क्लॉस ने घर पे छोड़ दिया है। इसके बाद जब हीरो का घर आता है तो वो अपने दोस्तों को गुड बाय कहता है। वो बहुत ही ज्यादा उदास था और अपने रूम में जाकर सो जाता है। सुबह होती है तो उसकी बहन सारा रूम में आती है और उसे बताती है कि कैसे सेंटा के लिए गिफ्ट छोड़कर गया है। हीरो जब अपना गिफ्ट खोलता है तो देखता है कि उसमें वही बेल थी जो कि उससे गुम हो गई थी। साथ एक नोटिस था जिस पर सेंटा क्लॉस ने लिखा था कि उससे ये बेल वहीं पर गिर गई थी और उसे अपनी पॉकेट को ठीक करवा लेना चाहिए। उसके पेरेंट्स जब उस बेल को सुनने की कोशिश करते हैं तो उसे आवाज नहीं आती क्योंकि उनको सेंटा पे यकीन नहीं था। हीरो बताता है कि कैसे एक दिन सारा को भी उसकी आवाज आना बंद हो गई थी क्योंकि उसका यकीन खत्म हो गया था। अब भी उसे वही आवाज आती है क्योंकि वो सेंटा पे यकीन रखता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।